एक बड़ी खबर आ रही है, रूसी समर्थित लड़ाकों ने मारियुपोल पोर्ट का वीडियो जारी किया है। डीपीआर का दावा है कि मारियुपोल पोर्ट का 70% हिस्सा यूक्रेन के कब्जे से आजाद करवा लिया गया है। मारियुपोल में रूस और यूक्रेन के सैनिकों में अभी भी भीषण जंग जारी है। मारियुपोल पोर्ट को लेकर डीपीआर ने यह दावा किया है कि उसने 70% हिस्सा आजाद करा लिया है। मारियुपोल को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है। हालांकि अभी भी इस इलाके में रूस और यूक्रेन के फौज के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन यूक्रेन के कब्जे से आजाद करवाने का दावा किया गया है और यहां तक कहा है कि पोर्ट का 70% हिस्सा डीपीआर ने आजाद करा लिया है। मारियुपोल का वो इलाका जो 70% हिस्सा आजाद कराया है यूक्रेन के कब्जे से रूस ने यह दावा किया है, उसका वीडियो भी जारी किया है। हम आपको बता दें कि ये जो डीपीआर है ये रूस समर्थित लड़ाके होते हैं और इन्होंने ये दावा किया है कि 70% हिस्सा मारियुपोल का आजाद करा लिया है यूक्रेन के कब्जे से। इस इलाके में अभी भी भीषण जंग जारी है रूस और यूक्रेन की सेना के बीच। मारियुपोल का वो इलाका हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, मारियुपोल पोर्ट की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।